Turn to the next page, that is page number 45. What is it, dear? Sue asked. तो जो जॉन्सी है वो backward counting कर रही थी, तो सू ने बहुत shockingly पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो. Six whispered जॉन्सी. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो 6 रह गए हैं, जॉन्सी ने विस्पर किया, और ये बहुत जल्दी जल्दी कहते हैं लीव्स जो हैं वो शेड हो रहे हैं. 3 दिन पहले यहाँ पे 100 थे, मगर अब सिर्फ 5 लीव्स रह गए हैं. तो सू ने कहा इसमें इतनी चिंता करने वाली बात क्या है, ये तो ऑटम सीजन है, और जो ऑटम सीजन होते हैं यू नॉर्मली नो कि लीव फॉल के लिए गिना जाता है, कि ऑटम सीजन्स में जो लीव्स होते हैं शेड ऑफ हो जाते हैं. When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी ने कहीं ना कहीं assumption कर लिया है कि जैसे ही last leaf पेड़ का गिरेगा तो वो उसकी death हो जाएगी, और उसने कहा कि ये मैंने एहसास कर लिया है कि I have known for this last 3 days. Last 3 days में मेरे को महसूस होने लग गया है कि अब मेरा जो end है वो near है. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? Doctor is confident that you will get better. Jonesy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Jonesy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो सू ने बोला कैसी बेकार की बातें तुम कर रही हो, ऐसे कभी होता है कि जो ओल्ड आईवी ट्रीज होते हैं अगर वो गिरने लग जाएं और तुम्हारे इसके ठीक होने से कोई लेना देना नहीं है, और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ और तुम ये पियो. तो जॉन्सी ने डायरेक्टली ही मना कर दिया कि आई विल नॉट टेक सूप, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि कब इस ट्री का लास्ट लीफ गिरेगा, और जैसे ये लास्ट लीफ गिरेगा इवनिंग होने से पहले तो मैं भी क्या है मौत की नींद सो जाऊंगी, मैं भी कभी नहीं वापस उठूंगी. सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई. आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, प्लीज माई डियर. तो सू ने कहा कि जॉन्सी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं मरने वाली हो, और मैं ये कर्टन भी क्या है तुम्हारी विंडो का बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये लाइट चाहिए ताकि मैं अपनी वो ड्राइंग पूरी कर सकूं और इसको बेचकर मैं कुछ पैसे लेकर आ सकूं. तो आप देखो ये जो ट्री है आईवी क्रीपर बिल्डिंग्स पे क्लाइम कर कर मूव होता है. टर्न टू पेज नंबर 46. फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो उसने कहा कि मैं ये कर्टन नहीं बंद कर सकती, तो प्लीज़ जॉन्सी तुम प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद कर दो, और तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी जब तक मैं पेंटिंग फिनिश नहीं करूँगी तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी. और जॉन्सी ने भी बोला कि इस प्रॉमिस तुम फटाफट अपनी पेंटिंग फिनिश करो, और मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट लीव कब फॉलो, और मैं भी क्या है मरना चाहती हूँ पीसफुली बिना किसी रुकावट के, और जैसे ये थके हुए लीव्स गिर रहे हैं वैसे मैं भी क्या स्लीप आराम से सो जाऊँगी. ट्राई टू स्लीप, सेट सू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. आई विल कॉल बहराम अप टू बी माई मॉडल. सू रश डाउन. बहराम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ही वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट डैट हैड रिमेंड अ ड्रीम. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो सू ने कहा कि उसके जो पेंटिंग बनानी है वो एक ओल्ड माइनर की है, एक ओल्ड पर्सन की है, और मैं जो बहराम नीचे फ्लोर में रहते हैं लास्ट फर्स्ट स्टोरी में रहते हैं मैं उनको बुला कर लाती हूँ, क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल वैसे मिलती है तो मुझे पेंट करना आसान होगा. तो वो फटाफट वो बहरमान जो 60-year ओल्ड पेंटर हैं, वो उनका ड्रीम क्या था कि वो एक मास्टरपीस क्रिएट कर सके. मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जो उससे लोग आपको याद रख सके, और वो ड्रीम ही रह गया था. तो सू ने जाते साथ अपनी सारी वरीज कि जॉन्सी ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि ये क्रीपर का लास्ट लीफ फेल हो जाएगा तो वो भी क्या है मर जाएगी. इज शी स्टुपिड, आस्क्ड बहरमैन, हाउ कैन शी बी सो फूलिश. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू. शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. I will come with you and see Jonesy, Behrman said. तो
बेयरमैन को जब ऐसी बातें बोलेगी कि जॉन्सी ऐसी बातें करी है, तो उन्होंने कहा कि जॉन्सी लगता है पागल हो गई हैं, स्टूपिड हो गई हैं कि ऐसी बातें करी हैं। तो सू ने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और यही सबसे बड़ी वरी की बात है। तो बेयरमैन ने कहा कि आई विल कम विद यू और मैं उसको देखता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है।